जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची थी, परसों वो मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रही थी किसी के साथ में, पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल से उस मोटरसाइकिल में धक्का लगा, वो जो मोटरसाइकिल धक्का लगाई थी वो मौके से भाग गई। सामने साइड से सामने वाले अपोजिट दिशा से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था, उसके चक्के के नीचे बच्ची आ गई, उसी से उसकी डेथ हुई। दोनों पक्षों ने ये देखते हुए कि मामला पूरी तरह से इत्तेफाक किया, जिसको कहते हैं दुर्घटनावश हुआ है, किसी कोई लापरवाही नहीं है, थाने पे इत्तेफाकिया की सूचना थी कि इसी तरह से बच्ची हमारी एक्सीडेंट में, आपस में उनका समझौता हो गया, वो दाखिल किया थाने। तो सर उसी का ही एक वीडियो वायरल हुआ सर, मानो तो एकदम झकझोर देने वाला वीडियो, वो बच्ची की लाश को लेकर रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही घंटों भर, कोई मदद के लिए नहीं आया सर, इसके बारे में सर क्या कहना सर? अब ये तो हम सभी के चिंतन का विषय है कि किस प्रकार से हम ऐसे मार्मिक अवस्था को देख के भी और अनदेखा करके अपने रास्ते से चले जाते हैं। ये तो सामाजिक जो विकृति आई है या सामाजिक जो असंवेदनशीलता की प्रवृत्ति समाज में फैल रही है उसका एक उदाहरण है। मनुष्य प्रत्येक घर में माँ बाप होते हैं, वो मनुष्य अपने बच्चे जो हैं उनको यदि ये सिखाएं कि किसी दुखी के प्रति संवेदना रखें, किसी पीड़ित के प्रति मददगार होने का भाव रखें, तो संभवतः तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसमें संवेदनाओं की कमी कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है, उसके कारण है। हम लोगों को सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना है, और संवेदनशीलता यदि नहीं रही तो मनुष्यता के नाम पे जो हम लोग गर्व करते हैं उस पे कहीं ना कहीं कुछ